देखो जो टपल डेटा टाइप होता है वो इम्यूटेबल टाइप का होता है। पाइथन में दो तरीके के डेटा टाइप होते हैं, एक होता है म्यूटेबल, ठीक है, और दूसरा होता है इम्यूटेबल, ठीक है। तो ये जो टपल है वो इम्यूटेबल टाइप का है, इम्यूटेबल, ठीक है। हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं, टपल की। अब टपल की पहचान क्या है कि ये टपल डेटा टाइप है, तो टपल डेटा टाइप जब भी लिखा जाएगा तो स्मॉल ब्रैकेट में, जैसे मान लीजिए ये लिखा हमने नेम, ठीक है, और नेम इज इक्वल टू, अब इसमें नेम देंगे तो ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, जो भी लिखेंगे किसमें लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। अब ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है आपका कि डबल इंटेड कॉमा में लिखना है कि सिंगल इंटेड कॉमा में, दोनों में लिख सकते हैं आप, इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ये कई बार मैं बहुत बता चुका हूँ कि डबल इंटेड कॉमा में भी लिखिए, सिंगल इंटेड कॉमा में भी लिखिए, जैसे चाहे वैसे लिखिए, ठीक है, दोनों तरीका सही है। अब यहां पर मान लीजिए नेम में हमने नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए पहले लिख दिया राम, फिर लिख दिया श्याम, ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। ये देखिए ये हो गया श्याम, तो ये दो नाम हो गए, ठीक है। और यहां पर टपल में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ होती है, ये भी याद रखिएगा, टपल में डुप्लीकेट्स आर अलाउड इन टपल, बट टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब यू कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ चेंजेस वंस यू हैव क्रिएटेड अ टपल। एक बार आपने टपल बना दिया तो आप उसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया राम श्याम सचिन कर देते हैं, तो ये तीन हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक डुप्लीकेट वैल्यू भी लिख लेते हैं, क्या डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट करेगा ये वो भी देखना है। तो सचिन दो बार लिख लिया हमने, तो क्या ये डुप्लीकेट वैल्यू प्रिंट करेगा, बिल्कुल प्रिंट कर देगा, क्योंकि टपल जो है डुप्लीकेट अलाउ करता है, ठीक है, सेट डुप्लीकेट नहीं अलाउ करता है, लेकिन टपल तो करता है। तो यहाँ पे अगर आप नेम को प्रिंट करवाते हैं, देखिए नेम यहाँ पे लिखता हूं मैं एन ए एम ई, नेम हो गया, और नेम को प्रिंट अगर मैं करवाता हूं तो F5 करके चलाऊंगा, सेव करूंगा इसको किसी भी नाम से, किसी भी नाम से सेव कर लेते हैं, .py लगा देते हैं, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है, और एंटर कर दीजिए। तो देखिए सब प्रिंट कर दे रहा है, कर रहा है ना, सचिन दो बार प्रिंट कर रहा है, यानी डुप्लीकेट्स तो अलाउड है। अब कैसे पता ये टपल ही डेटा टाइप है, तो इसके लिए आप टाइप नाम का कीवर्ड लिख दीजिए, सीधा सीधा यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए TYPE टाइप, ठीक है, बस टाइप आपको लिखना है, और ये टाइप लिख करके इसको बंद कीजिए और यहाँ पर आकर के इसको भी क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्लोज करके यहाँ F5 करिए, देखिए कौन सा बता रहा है, कौन सा डेटा टाइप बता रहा है, टपल बता रहा है, ठीक है। अब इसमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं ये भी हमें देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं, अब चेंजेस करते हैं, इसमें चेंजेस किया जाए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ये, या फिर ये टाइप हटा देता हूँ, ठीक है, टाइप हटा देता हूँ, ये टाइप हटा दिया यहां से, ये लीजिए ये हटा दिया, ठीक है। तो अब इसको हटा दिया मैंने, अब मैं क्या चाहता हूं, इसमें चेंजेस करना चाहता हूं, तो चेंजेस कैसे करेंगे, तो यहां पे लिखता हूं नेम एन ए एम ई नेम डॉट अपेंड, अपेंड लिख दिया, ठीक है। तो ये अपेंड लिखा, और इसमें क्या अपेंड करवाना चाहते हैं, क्या एक और वैल्यू इसमें डाली जा सकती है। अब ये लिस्ट में पहला नाम किसका है, राम का है, दूसरा नाम किसका है, श्याम का है, तीसरा नाम किसका है, सचिन, चौथा नाम सचिन। तो लिस्ट में तो डुप्लीकेट अलाउ है, लेकिन टपल में भी डुप्लीकेट अलाउ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक और नाम मैं दे देता हूं, विराट, विराट, ठीक है। तो यहां पर लिखा विराट, तो क्या ये अपेंड हो जाएगा, नहीं अपेंड होगा, देखिए अभी मैं इसको रन करवाऊंगा तो ये अपेंड नहीं हो सकता है, क्योंकि टपल में डुप्लीकेट्स तो अलाउड है, लेकिन यू कैन नॉट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ चेंजेस वंस यू हैव क्रिएटेड अ टपल। तो F5 कीजिए और देखिए ये चल रहा है कि नहीं, क्या लिखा हुआ है, जरा एरर पढ़िए, एट्रीब्यूट एरर आएगा। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि एट्रीब्यूट एरर क्या है, तो एट्रीब्यूट एरर तब आता है जबकि कोई ऐसा डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं जिसमें चेंजेस परफॉर्म कर पाना पॉसिबल नहीं है, और फिर भी हम चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तभी डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड होती हैं, ठीक है, समझ में आई बात।